बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिव्य सज्जनों। माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ भारत की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय द्वय श्री विश्वास सारंग जी तथा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी के कार्यक्रमों से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। भोपाल की सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी दीप प्रज्वलन में अपना योगदान देंगी। माननीय मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सभी ने अपने कार्यक्रमों से दीप प्रज्वलित किया, कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आप सभी की ओर से हम अब माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करने जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि अब आप माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का अंगवस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी स्वागत करेंगे माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि आप माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ से करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी से निवेदन है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी भारत की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आदरणीय श्री मोहम्मद सुलेमान जी से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी का स्वागत करें। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर सुदाम खाड़े जी से विनम्र आग्रह कि आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री निशांत वरवड़े जी से आग्रह कि आप माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें तथा संचालक स्वास्थ्य श्री अनुराग चौधरी जी से आग्रह कि आप माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी से विनम्र आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला माननीय सविता कोविंद जी, हम सबके पालक मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमती साधना सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, भोपाल की सांसद आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, आज हम सब अभिभूत हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
कि इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने देश के प्रथम नागरिक परम सम्मानीय रामनाथ कोविंद जी पधारे हैं। मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार ताली बजाकर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का हम अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन का की एक यात्रा चली है और खासकर कोरोना काल में इस देश में सुदूर गांव तक की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, उसके लिए देश की सरकार ने निश्चित रूप से अभूतपूर्व कार्य किया है। मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदूर गांव तक पहुंचाने का काम किया है। हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मेडिकल कॉलेज की सभी सुविधाएं, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्ट सेवाएं देने का काम या फिर उससे संबंध हमारे चिकित्सालयों में अधिक से अधिक लोगों को टर्शरी केयर की सुविधा देने का काम, इन सभी विषय पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि उन्हीं सब हमारे प्रकल्पों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों से हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, माननीय राज्यपाल जी का स्वागत करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, अब हम मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोविड 19 एक वैश्विक महामारी थी, ऐसे में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपने बेहतर प्रबंधन कौशल के साथ पूरी दृढ़ता से जुट गई। प्रत्येक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समूह बनाए गए। प्रदेश की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में कोविड की निशुल्क जांच और उपचार सुविधा दी गई। प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना चलाई गई और अस्पतालों में नए ICU वार्ड निर्मित करते हुए वेंटिलेटर्स, दवाओं एवं बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। ऑक्सीजन कम न पड़ने पाए इसलिए नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए और आवश्यकता पड़ने पर वायु मार्ग से भी ऑक्सीजन आयात की गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किए गए निशुल्क कोविड 19 टीकाकरण अभियान में भी मध्य प्रदेश की अग्रणी भागीदारी रही। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश 98.94% रिकवरी की दर से अपने 10 लाख से अधिक संक्रमित नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सेवाओं का महत्व समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्वास्थ्य बजट में 29% की वृद्धि की है। आज प्रदेश में 52 जिला चिकित्सालय, 119 सिविल अस्पताल, 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1266 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 9300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में ICU संचालित है एवं ICU बेड्स की संख्या 277 से बढ़कर 2085 हो चुकी है। पहले जहां प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज बढ़कर 13 हो चुके हैं। इसके साथ ही 9 अन्य नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन पूर्ति के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 2 वर्षों में 2684 चिकित्सक, 5193 स्टाफ नर्स, 3500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तथा 2494 अन्य स्टाफ की भर्ती की गई एवं 857 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेजों में LMO टैंक लगाकर उनकी क्षमता 89 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 483 मीट्रिक टन कर दी गई है। 34 जिला अस्पतालों में 204 मीट्रिक टन
LMO की नई क्षमता निर्मित की गई और 17 जिला अस्पतालों में 102 मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है। जिला अस्पतालों में 204 PSC प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की संख्या बढ़ाई गई है एवं 15,080 बेड्स पर MGPS सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जिला चिकित्सालयों में सिटी स्कैन की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 132 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें निःशुल्क कराई जा रही है। हब एंड स्पोक मॉडल से CHC एवं PSC पर भी 45 तरह की पैथोलॉजी जांचें की जा रही हैं और PSC पर विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब अन्य 14 जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से 2 जिला चिकित्सालयों में 100 एवं 35 जिला चिकित्सालयों और 13 मेडिकल कॉलेजों में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 52 जिला चिकित्सालयों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स निर्माण स्वीकृत है। शहरी स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राप्त अनुदान राशि से 745 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक विकसित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रबंधन का अलग कैडर स्वीकृत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा 263 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है और भौतिक जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार 300 नवीन संस्थाओं के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गई है। इस शुभ अवसर पर आज माननीय राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन किया जाना हमारे लिए गौरव का क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आदर और आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आज हम सबके सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य जिनके हाथों संपन्न हो रहा है और जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर के केवल बड़े देशों की यात्रा नहीं की, उसके साथ साथ छोटे छोटे देशों की यात्रा करके भी वहां भारत के संदेश को पहुंचा के शांति सद्भाव और स्नेह का हमारे देश का मंत्र दिया है। ऐसे भारत के राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमान कोविंद जी, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, कृपापूर्वक हमारे आग्रह पर पधारें। उनके साथ पधारी हुई हमारा सौभाग्य है देश की प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश के कर्मठ और सक्रिय राज्यपाल जिन्होंने सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है, परम आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, हमारी यशस्वी सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, साधना सिंह जी यहाँ उपस्थित, हमारे स्वास्थ्य जगत से आए हुए सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अलग अलग चिकित्सा के काम में लगे हुए हमारे सभी साथीगण, और केवल आज यहाँ नहीं मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण इस लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में अलग अलग स्थानों से भाग ले रहे हैं। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी यहाँ पे हैं, ऐसे हमारे सभी साथीगण,
और भोपाल और पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित हो रहे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि देश के दिल में हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी पधारे हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी पहले से भी मध्य प्रदेश अनेकों बार एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आते रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रति उनका सदैव स्नेह और अनुराग रहा है। कोविड के कारण भोपाल आने में जरूर देर हुई है, लेकिन आज उन्हें अपने बीच पे पाके हम लोग सचमुच हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान एक साल पहले का समय आप देखिए, महाभयानक स्थिति थी। कोविड के प्रकोप के कारण चारों तरफ अप्रैल और मई के महीने में एक अलग प्रकार की स्थिति थी। हमारे कई वो लोग आज याद आ रहे हैं, विशेषकर वो भाई और बहन जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे साथी थे, नर्स वार्ड बॉय थे, जिन्होंने पूरी शिद्दत और कर्मठता के साथ कोविड पीड़ित भाई और बहनों की सेवा की, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं उन सब को दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित नमन करता हूँ। मुझे याद है ऐसे भी कई बेटा बेटियाँ थे जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पे मध्य प्रदेश में कोविड बाल कल्याण योजना हमने बनाई और उनको 5000 रुपया मासिक हम पढ़ाई और बाकी व्यवस्थाओं के लिए पेंशन के रूप में देने का काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए उस समय क्या स्थिति थी। उस समय एक ही संकल्प हम लोगों के मन में था कि कैसे भी हम कोविड पे काबू पा लें। आज मैं स्मरण करना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कोविड को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर्स, विशेषकर वैज्ञानिक, उनकी टीम गठित की और उस वैज्ञानिकों की टीम ने वैक्सीन बना दी। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, ये वैक्सीन बनी और आज मैं गर्व और आनंद के साथ कह रहा हूँ, अगर भारत में कोविड का प्रभाव लगभग नहीं है तो इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन बना ली और उस वैक्सीन के प्रभाव से कोविड को हमने नियंत्रित करने का काम किया है। और ये वैक्सीन केवल भारत में नहीं लगी, गर्व का विषय है कि दुनिया के अनेक देश, जिसमें छोटे छोटे देश भी शामिल थे जिनकी अपनी क्षमता नहीं थी कि वो वैक्सीन बना पाते या खरीद पाते, उनको भी इस वैक्सीन का उपहार दिया है। कोविड का मुकाबला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बड़ी कुशलता से करने का काम किया। लेकिन उसी समय मैं भी कोविड पीड़ित था, अस्पताल में भर्ती था, मैंने प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन सुना, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, आत्मनिर्भर भारत बनाए। मेरे मन में विचार आया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करें, और अस्पताल के बिस्तर से ही हमने अनेकों विशेषज्ञों को वर्चुअली जोड़ा और एक 3 दिन की श्रृंखला विचार विमर्श की चलाई, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए 4 प्रमुख चीजें हमने तय की। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे कहते हुए गर्व है पूरे मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बाकी कनेक्टिविटी हो, अद्भुत काम मध्य प्रदेश में हुआ है। वो काम लगातार जारी रहेगा, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन 2 और महत्वपूर्ण चीजें हमने तय की। एक, स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधाएं हैं उनका युद्ध स्तर पर हम विस्तार करेंगे, ये हमने फैसला किया। और दूसरा, शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि NAS भारत के सरकार की
जो संस्था है उनने जो सर्वे किया उस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले शिक्षा के क्षेत्र में 17वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मैं आनंद के साथ आपको यह सूचना दे रहा हूं और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। 5वें नंबर से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को ले जाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सबसे प्रमुख क्षेत्र हमारा। हम लोगों ने बचपन से सुना है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जिसके शरीर में ताकत नहीं है वो और कुछ कर ही नहीं सकता, उसे शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए। और इसलिए मैं स्वयं ये मानता हूं और भारत में संविधान ने भी हमको ये अधिकार दिया है कि स्वस्थ रहना, और अगर बीमार हो जाए तो इलाज करवाना ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महायज्ञ चल रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। हमने आपने अभी, मैं दोहराना नहीं चाहता, छोटी सी फिल्म में देखा कि कैसे हम चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार करते चले आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में वर्षों तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था 1964 के बाद, लेकिन हमने आने के बाद पहले सागर में मेडिकल कॉलेज खोला, फिर 13 और नए मेडिकल कॉलेज खोले, अब और 3 नए मेडिकल कॉलेज और हम खोलने वाले। एक तरफ मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला जिससे डॉक्टर हमको बेहतर मिल सके, और दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालय हो, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उनमें न्यूनतम सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशन की हो, उनको दवाइयों देने की हो, या अलग अलग ढंग से उनके चेकअप की हो, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। हमने युद्ध स्तर पर उनका विस्तार प्रारंभ किया है। शहरी क्षेत्रों में हमने तय किया कि साधारण रोगों में लोग बड़े अस्पताल क्यों जाए, उनके आसपास ही उनको इलाज की सुविधा मिल जाए। इसलिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शहरों में व्यापक पैमाने पर खोलने का हम लोगों ने फैसला किया। हम मध्य प्रदेश में एक बात और मानते हैं, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, उसके कई आयाम हैं, लेकिन एक सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं, और इसलिए एक तरफ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, वहीं दूसरी तरफ गरीब को फ्री में इलाज मिल जाए, निःशुल्क इलाज मिल जाए, ये संकल्प हमने लिया हुआ है। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2,70,00,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके, और ये तय कर लिया कि गरीब भगवान ना करे कभी बीमार हो, लेकिन आर्थिक रूप से जो ज्यादा सक्षम और संपन्न नहीं है, अगर हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर, लीवर जैसी बीमारी से जूझे, तो गरीब कहां से पैसा लाए। और इसलिए तय किया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि 5,00,000 रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे। प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाएगा। यह अभियान लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे यहां बड़ी संख्या में आज बहनें आई है, ऐसी बहनें जो मजदूरी करती है, संबल योजना के अंतर्गत है, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उनके खाते में 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद उनके खाते में सीधे 12,000 रुपया डाले जाते हैं, ताकि प्रसव काल में वो घर पर रहकर आराम कर सकें और पोषण आहार भी प्राप्त कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ऐसे एक नहीं, अनेकों अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए हैं। एक तरफ हमारा संकल्प है कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहेगा, इसलिए इन सब सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। आज लोकार्पण और शिलान्यास कई सुविधाओं का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी की भी होलिस्टिक अप्रोच है। और आज मैंने सवेरे राष्ट्रपति महोदय को सुना, सचमुच में उसने हमें एक नई दिशा दी है, एक नई दिशा दी है। और इसलिए एक तरफ इलाज, वहीं एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी भी है, और इसलिए हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन
केवल इलाज नहीं, योग से निरोग जैसे अभियान मध्य प्रदेश में हम योग आयोग का गठन कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में भी योग की शिक्षा देंगे। योग, प्राणायाम और ध्यान ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि फल, सब्जी और अन्न हमको बिना कीटनाशक और खाद के मिल सके। उसके साथ साथ हम ये अभियान भी मध्य प्रदेश की धरती पर चला रहे हैं कि पर्यावरण सुधरे, क्योंकि पर्यावरण अगर बिगड़ता है, प्रदूषण फैलता है, तो उसके कारण भी हम रोगी बनते हैं। मैं स्वयं रोज एक पेड़ लगाता हूँ, साल भर से ज़्यादा हो गया है, अनेक संस्थाएं मेरे साथ पेड़ लगाती है, अंकुर अभियान हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ हम सोलर एनर्जी और बाकी उपायों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान में मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में प्रथम पंक्ति में खड़ा है। इंदौर लगातार पांचवी बार नंबर वन है और भोपाल नंबर दो भी रहा है और स्वच्छतम राजधानी है। तो स्वास्थ्य के जितने आयाम हो सकते हैं उन सब पर हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद का सवाल हो, आयुष का सवाल हो, देवारण्य जैसी योजना बना के एक तरफ हमारे जनजाति भाइयों और बहनों से हम जंगलों में जो खजाना है जड़ी बूटियों का उसको इकट्ठा करते हैं, दूसरी तरफ प्रोसेस करके आयुर्वेदिक दवाइयां बना के उसको आम जन तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। स्वास्थ्य ठीक हो ये मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रपति जी ने आज जो मार्ग हमको दिखाया है होलिस्टिक अप्रोच का, सारे पक्ष देखो और उन पर काम करो। आज मैं अपने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन की टीम के साथ ये संकल्प करता हूँ कि मध्य प्रदेश की अप्रोच रहेगी हमेशा संपूर्ण अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी समाप्त हो, गवर्नर साहब लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसी बीमारी को भी हम पूरी तरह से उन्मूलित करें मध्य प्रदेश से। मैं एक बार फिर अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, 8.5 करोड़ लोगों की ओर से हमारे प्रिय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम धन्य हुए आज आप पधारे और अनोखे स्वागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की आज आप जनता जनार्दन को दे रहे हैं, आपका स्वागत है। और आपके बताए मार्ग पर चलकर हम संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी। स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन आयोजित राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, सन्माननीय प्रथम महिला श्रीमती कोविंद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, श्रीमती साधना सिंह चौहान जी, आभासी से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगमन और कार्यक्रम में अमूल्य समय देने के लिए
समस्त प्रदेश की ओर से महोदय का आभार और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों और लोकार्पण कार्य में क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक संयुक्त संचालक अस्पताल अधीक्षक कार्यालय ड्रग स्टोर की स्थापना की भूमि पूजन से प्रदेश के नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो सकेगी। भारत सरकार के सहयोग से भोपाल नगर के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक की स्थापना से प्रदेश के नागरिक लाभान्वित हो सकेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। देश में गरीबों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क इलाज की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत संचालित हो रही है। जिला स्तर पर जांचों की निःशुल्क व्यवस्था और पीएम जन औषधि जैसी योजना में कम कीमत पर दवाएं मिलने से गरीब और मध्यम वर्गों को उपचार व्यय बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विशिष्ट चिकित्सकीय परामर्श टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध है। मरीजों के रेफरल की व्यवस्था के लिए इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे नागरिकों को अब शीघ्र उपचार मिल सकेगा। सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग है जो अनुसूचित जनजातियों में ज्यादातर पाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके अथक प्रयासों से इस अनुवांशिक रोग पर काफी मात्रा में नियंत्रण हुआ है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। राज्य में रोग रोकथाम हेतु जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सिकल सेल एनीमिया रोग नियंत्रण मिशन की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को जाबर अली राजपुर से शुरू की गई है। मिशन द्वारा सिकल सेल रोग उपचार और प्रबंध का कार्य तीव्र से गति से करते हुए शीघ्र ही प्रदेश के 14 रोगग्रस्त बाहुल जिलों में मिशन का विस्तार किया जाएगा। यहाँ सब बैठे युवान और युवती और आभासी से जुड़े हुए सभी युवान युवती को मैं अपील करना चाहता हूँ, जहाँ आपको समय मिले तभी आदिवासी विस्तार में जाकर सभी आदिवासी भाई बहन को प्रोत्साहित करके सिकल की जांच करवाने का मैं सबको युवा मित्रों को अपील करता हूँ। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सभी का प्रयास से जो अपने देश आगे बढ़ रहा है उसमें लिए मैं युवाओं को अपील करता हूँ कि आपका भी प्रयास हो और आदिवासियों में 100% सिकल सेल की जांच अपने करवाए, उसमें आपका सहयोग होगा तो बहुत अपने जल्दी से आदिवासी में इस सिकल सेल रोग को थाम सकेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पहुँच विहीन और वंचित वर्गों के साथ कंटिन्यू कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण अंचल की आरोग्य व्यवस्थाओं स्कूलों और आंगनवाड़ियों का नियमित भ्रमण कर व्यवस्था की समीक्षा की जाती है।
प्रदेश की जनता को निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभावी व्यवस्थाओं से आम जन को व्यापक एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो रही है। सदी की सबसे बड़ी विपदा कोरोना महामारी में मानवता की सेवा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले को नमन करता हूँ। देश प्रदेश के नागरिकों के लिए प्राणों की चिंता किया बिना दिन रात सेवा करने वाले चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, एनजीओ, शासकीय सेवकों और आपदा की हर घड़ी में हमारे साथ और हमारा नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने अपनी अति व्यवस्था में समय निकलकर प्रदेश के आरोग्य प्रयासों को अपना संरक्षण और संबल प्रदान किया है। इसके लिए प्रदेश के समस्त जनता की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय श्री मंगूभाई जी पटेल। आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के वर्चुअल भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए आग्रह करने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र आग्रह है कि आप रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 154,78,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने जा रही 8 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के नवीन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन तथा 72,03,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 4 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के नव निर्मित भवनों का लोकार्पण करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र आग्रह है कि आप एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के तहत 55,63,00,000 रुपए की लागत से स्थापित होने जा रहे 215 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान, 84,94,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 215 बिस्तरों के ऑर्थोपेडिक एक्सीलेंस सेंटर तथा 32,34,00,000 रुपए की लागत से आकार लेने वाले ड्रग स्टोर व अधीक्षक कार्यालय संकुल का भूमि पूजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी सज्जनों, अब भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का उद्बोधन होगा। विनम्र आग्रह माननीय राष्ट्रपति महोदय से आप अपने आशीर्वचन दें। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह चौहान जी, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी जी, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, भोपाल से निर्वाचित लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य विशिष्ट महानुभाव, देवियों और सज्जनों,
प्रायः मैंने देखा है कि जब पीछे मैं देख रहा था फॉगिंग सिस्टम, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि इसकी आवश्यकता क्या। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो लोग यहाँ आमंत्रित हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनको गर्मी या लू ना लगे, उसके कारण जो है फॉगिंग सिस्टम लागू किया गया। मैंने कहा कि प्रायः फॉगिंग सिस्टम शादी विवाह या अन्य परिवार में मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें, क्योंकि हमारा कोई मेहमान नाराज ना हो जाए इसलिए उनकी मेहमान नवाजी को देखते हुए किया जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री जी मैं आयोजकों को विशेषकर आपकी सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सबके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अभी भी व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और नवीन संस्थानों की स्थापना से जुड़े भूमि पूजन कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के साथ मेरी भी अनेक मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए यह विशेष प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की इस 7वीं यात्रा के दौरान मुझे आरोग्य, आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने और चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस विशेष अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आज मुझे 3 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के लोकार्पण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। आज प्रातः ही मैंने आरोग्य भारती द्वारा आयोजित वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर कार्यक्रम में भाग लिया। आज सायंकाल मैं आप सबके बीच स्वास्थ्य संबंधी उपक्रमों से जुड़े हुए कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। कल मैं उज्जैन जा रहा हूँ जहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें अधिवेशन को संबोधित करने तथा शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम होना है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। देवी और सज्जनों, कोविड-19 महामारी की असाधारण चुनौती, जिसको हम सब लोग अदृश्य महामारी कहते हैं, का सभी देशवासियों ने एकजुट होकर दृढ़ संकल्प से सामना किया। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मियों तथा जन साधारण ने सेवा, त्याग और बलिदान के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। विकसित देशों के मुकाबले भारत की बड़ी जनसंख्या तथा अन्य चुनौतियों के बावजूद हम कोविड महामारी पर नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल रहे। आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है। समाज के सभी वर्गों के लोग किफायती दरों पर समुचित उपचार कराने में सक्षम हों, ऐसा प्रयास सभी सरकारों का होना भी चाहिए। आज यहाँ पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके अलावा देवास, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, इंदौर, मुरैना, उज्जैन तथा भोपाल आदि में जिला चिकित्सालयों एवं सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी स्वास्थ्य परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना है।
मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। देवी और सज्जनों, प्रायः देखा जाता है कि जब कोई बीमार होता है या किसी पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है तो उसके मुंह से सबसे पहले भगवान का नाम निकलता है और उसके बाद जो उसके सामने प्रकट होता है वो डॉक्टर होगा या नर्स होगा या पैरा मेडिकल कर्मचारी। उसको उन सभी कर्मियों में, स्वास्थ्य कर्मियों में, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्सेज हो, उन सब में उसको भगवान ही दिखाई देता है। अगर मुश्किल के समय एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए और वो रोगी की ठीक से देखभाल करे तो उससे बढ़कर रोगी के लिए और कुछ नहीं होता। और यदि कोई चिकित्सक रोगी के प्रति सद्भावना रखते हुए उसे तसल्ली के दो शब्द बोल देता है तो रोगी के लिए वो शब्द भी पथ्य की तरह काम करते हैं। जीवन से निराश या रोग से हताश व्यक्ति की प्राण रक्षा कभी कभी ऐसे सांत्वनापूर्ण शब्दों से भी हो जाती है। देवी और सज्जनों, चिकित्सकों का मूल मंत्र जिसे हमारे ऋषि मुनियों और भारतीय परंपरा में कहा गया है कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, अर्थात दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए। यही भावना, इसी भावना के साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल कर्मचारी काम करते हैं। मरीज के जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टर को बड़ी सावधानी व जिम्मेदारी से सभी कार्य करने होते हैं। काम का बोझ भी रहता है, फिर भी कुशल डॉक्टर हर परिस्थिति में सेवा भाव से मरीज की देखभाल और चिकित्सा करता है। परंतु कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जिनमें डॉक्टर के साथ बदसलूकी की जाती है। यह विचार करना चाहिए, हम सबको इस पर सोचना चाहिए कि डॉक्टर भी आखिर मनुष्य होता है और कभी कभी उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए रोगियों और उनके तीमारदारों को संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे कई देशों की यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनेक देशों में भारतीय मूल के डॉक्टर बड़ी संख्या में काम करते हैं, वहाँ भी उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विदेशों में बहुत से लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं क्योंकि भारत में इलाज सस्ता है, यूरोपीय कंट्रीज की तुलना में बहुत सस्ता है। इसीलिए इंडिया को कभी कभी मेडिकल टूरिस्ट हब भी कहा जाता है। यदि देश में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्नत चिकित्सा केंद्र खुलेंगे तो देश के लोगों को तो लाभ होगा ही, मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आमद भी और बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, प्राणी मात्र की सेवा करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। बड़ी संख्या में हमारे चिकित्सक भी सर्वभूत हिते रता, अर्थात सभी प्राणियों की सेवा की भावना से कार्य करते हैं। पिछले कई वर्षों में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय मेरे समक्ष कई ऐसे उदाहरण आए जिनसे ये पता चला कि हमारे प्रतिभावान डॉक्टर्स ने विदेशों में बसने तथा बड़े अस्पतालों में काम करने की जगह देश के जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर सेवा तथा त्याग का व्रत लिया। पिछले वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति भवन में मुझे मध्य प्रदेश की डॉक्टर लीला जोशी को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। डॉक्टर लीला जोशी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और रतलाम जिले की जनजातीय ग्रामीण तथा शहरी मलिन बस्तियों में एनीमिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए दो दशकों से भी अधिक समय से काम कर रही है। भारतीय रेलवे से रिटायर होने के बाद उन्होंने किसी बड़े शहर में रहने की बजाय रतलाम को अपनी कर्मभूमि बनाया और जनजाति समाज की सेवा को अपना मिशन बनाया। देवी और सज्जनों, अंतिम सोपान के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और राज्य के 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सफलता के लिए
ऐसे ही सेवावृत्ति चिकित्सकों की आवश्यकता है। मेरी शुभकामना है कि आप सभी के प्रयास सफल हों और राज्य के लोग निरोगी एवं सुखी जीवन व्यतीत करें। मैं मुख्यमंत्री जी आपकी और पूरी टीम की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि जो साधारण लोक जीवन में दो विषय आते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मध्य प्रदेश में 8 करोड़ जनता के लिए उपलब्ध कराने की योजना है, आपका सपना है, उसे पूरा करें। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। साथ ही मैं माननीय हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी को भी उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके कुशल नेतृत्व में COVID-19 से लड़ने का जनभागीदारी का मॉडल, टीकाकरण महाअभियान, ऑक्सीजन प्लांट, डायलिसिस मशीन, सीटी स्कैन मशीन आदि चिकित्सा सुविधाओं के लिए जिला अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय श्रीमती साधना सिंह जी को भी उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुरैना जिले में से शामिल माननीय केंद्रीय और कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के माननीय चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास जी सारंग एवं भोपाल की सांसद माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं बहुमूल्य सहयोग दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वैश्विक महामारी COVID-19 का हमने डटकर सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी मीडिया बंधुओं को तथा समस्त जन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही प्रदेश के जिलों, विकास खंडों से जुड़े समस्त जनप्रतिनिधियों, आम जनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।